लेकिन लड़कों के नंबर फ्री। क्या? हाँ, यहाँ पे इतने लड़के हैं, हर लड़का फ्री नंबर ही दे रहा है। बिल्कुल सही बात की है आपने। ओ, इसका क्या राज है? ये राज है कि मैं साथ साथ सलमान खान का फैन भी हूँ। सलमान खान के फैन जी? आप इतना शर्मा क्यों रहे? पहली दफा है। पहली दफा है तो यानी हम दो तीन बार और शूट करूंगा। अरे ओ मैडम, मैं तो इतना गरीब को पता चलते मैं कितना गरीब हूँ। पता क्या होगा, सारे गरीब मुझे इतना मारेंगे कि मैं तेरा गरीब क्यों। अब तो गरीब की मोहब्बत कबूल कर लो। चांद को आसमान पे रहने, मैं चांद टुकड़े, तुम सिर्फ मुझे अपना हाथ दे दो। फ्री मिलता है धोखा। हाँ, वो फ्री में मिलता है। अगर कोई किसी की फेवर भी करे तो उसे वो चीट कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, MF एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहे अरूज, और आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद मेरे शो में, जहां आप सबको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है हमारे सवालात और लोगों के मज़ेदार जवाबात से। हमेशा की तरह आज मैं लाई हूं आप सबके लिए एक मज़ेदार सा सवाल। आज का सवाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्री में मिलती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएँ, इस सवाल का जवाब दें। तब तक मैं यहाँ पर आए लोगों से इस सवाल का जवाब लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। ओके अवैस, क्या करती हो? ये मैं जॉब करता हूँ, टिकटॉक का काम करता हूँ। जॉब करते हो, टिकटॉक का काम करते हो? जी। कैसे? ये कपड़े का काम करते हैं, उसमें गारमेंट सेलमैन हूँ मैं। ओके। और ये टिकटॉक पे वीडियोस बनाता हूँ मैं, जो अच्छा, मर्जी में। अच्छा, दोनों काम करते हैं, मैं कौन टिकटॉक पे जॉब करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे, मैं आपसे सवाल पूछने लगी हूँ, मुझे उसका जवाब। क्या हुआ? एक चीज़ रहेगी, फैशन में कमी ना आ जाए कहीं, है ना, खूबसूरती में कमी ना आ जाए। ओ, इसका क्या राज है? ये राज है कि मैं साथ साथ सलमान खान का फैंस भी हूँ। सलमान खान के फैंस भी हैं आप? जी। अब अकेले ही इतने सारे फैंस हैं? जी, मैं अकेले ही एक्टिंग भी कर लेता हूँ। एक्टिंग भी कर लेते हैं? हर एक्टर की कर लेते हैं? सलमान खान की करता हूँ, सिर्फ हर डायलॉग बोलूँगा सलमान। ओके, तो चलिए वह मुझे बोल सिखाएं। जी, आप सामने आए, आपको बोलते हैं। okay. मैंने आपके साथ एक्टिंग करनी है और आपको okay. डायलॉग बोलना है। ओके। आपने कहना है मैं जानती हूँ इन अमीरों को। मैं जानती हूँ इन अमीरों को। ओके okay. बोले मैं जानती हूँ इन अमीरों को। अरे ओ मैडम, मैं तो इतना गरीब को पता चलते मैं कितना गरीब हूँ। पता क्या होगा, सारे गरीब मुझे इतना मारेंगे कि मैं तेरा गरीब क्यों। अब तो गरीब की मोहब्बत कबूल कर लो। चांद को आसमान पे रहने, मैं चांद टुकड़े, तुम सिर्फ मुझे अपना हाथ दे दो। वाह, ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? ये आपने देखी भी नहीं होगी, जोन सी फिल्म मैंने सुनी, चांद का टुकड़ा। हाँ, नहीं मैंने नहीं देखी। 1994 में आई। यानी कि आप उनके पक्के फैन हैं, जो फिल्म किसने भी नहीं देखी वो आपने देखी। वो मैं डायलॉग सुना। और कोई डायलॉग भी आता है जो मैंने देखा हुआ हो? सलमान खान की दबंग का डायलॉग सुना दे। सुना दे, सब सुना दे, जो दिल में सब सुना दे। हम तुम्हें इतनी छेद करेंगे कि तुम कमजोर हो जाओगे और कहोगे सांस कहाँ से ले, पाते कहाँ से ले। एक लड़की के सामने यही डायलॉग मिला था। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, ये सबसे इजी था ना, इस टाइम ने बोल दिया। तो फिर कौन सा बोल, तेरे नाम का बोल दूँ? नहीं बस ठीक है, चलेगा, इतनी खुशी एक साथ नहीं बर्दाश्त होगी। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो क्या नाम है आपका? ओके, अब्दुल्ला। इनका नाम अब्दुल्ला है, ठीक है। तो अब्दुल्ला, आप यहाँ पर मतलब क्या करने आए हो? वीडियोस बनाने आए हो, ठीक है, गुड। तो जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, आई थिंक वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनसे बात करके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर जितने भी वैसे लोग हैं, तो यहाँ वीडियो शूट करने आए हैं। चलें कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा है, थैंक यू। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना। नैना? आई, थैंक यू। साथ ही आपने बोल दिया कि आपका नाम नैना है। जी ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछने लग गया, मुझे उसका जवाब दो, ठीक है? जी जी। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्री मिलती है? पाकिस्तान में तो कुछ फ्री नहीं मिलता, लेकिन लड़कों के नंबर फ्री। क्या? हाँ, यहाँ पे इतने लड़के हैं, हर लड़का फ्री नंबर ही दे रहा है। बिल्कुल सही बात की है आपने, है ना? हाँ, ज्यादा ही कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल, जैसे वो देख। जी तो भाई, क्या नाम है आपका?
जैनुला। जैनुला क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर स्टडी करते हो। लाहौरी हो आप? जी लाहौरी हो जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं। एंजॉय करने के लिए? कैसा एंजॉय? एंजॉय बस घूमने फिरते हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं तो अच्छा लगता है। टिकटॉक बनाते हो आप? जी। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? फिलहाल तो थोड़ी है, 4-5 दिन हो गए हैं शुरू किया। कोई बात नहीं, ऑडियंस इनको फॉलो जरूर कीजिएगा टिकटॉक पे। गुड, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए अच्छा सा। ठीक है, आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्री में मिलती है? घर से बेचती मिलती है फ्री में। घर से बेचती? जी। कैसे बेचती होती है? और तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। कैसे बेचती होती है ज़रा बताएं, शायद हमारी ऑडियंस वो पड़े आपकी बात सुन के वो रिलेट करे इस बात से। बिस्ती कैसे होती है? डांट पड़ती है, बिस्ती करते हैं कि ये क्यों किया, ऐसे ऐसे इस वजह से। तो वो चीज़ आप क्यों करते हैं? वो चीज़ बस जिस चीज़ से रोका जाता है वही क्यों करते हैं? दिल करता है बार बार वही, बड़े समझाते हैं लेकिन तो फिर आप ढीठ हो ना, बिस्ती तो नहीं आपकी हो रही है, ऐसे ही है ना? आप ढीठ हैं? नहीं ढीठ तो नहीं। ढीठ आप शर्मा क्यों रहे हैं? जी आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? पहली दफा है ना? पहली दफ़ा है तो यानी हम 2-3 बार और शूट करूँ? नहीं पहली दफ़ा इंटरव्यू। अच्छा पहली दफ़ा इंटरव्यू, कोई बात नहीं। टिकटॉक तो बनाते हैं ना आप, उससे थोड़ा धोखा खुल जाता है। ठीक है, और कुछ शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? कोई टिकटॉक का डायलॉग ही सुना दें। डायलॉग तो नहीं आता है। टिकटॉक पे क्या करते हैं? गाने गाते हैं? गाना सुना रही आता तो नहीं है फिलहाल। नहीं आता? कोई भी गाना नहीं आता? पश्तो के आते हैं, पश्तो गाना सुना दें। जमा जाना नजर जरा शलपमा ग्रा नजर जरा। ये गाना तो नहीं था, ये ऐसा लगा आपने कोई लाइन बोली, ऐसा क्या मतलब था जितना भी आपने बोला है? मेरा जान आ जाओ और बाकी आप मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा ये इस गाने का मतलब। ठीक है, ओके थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नेम लाइबा। लाइबा। जैनब। जैनब, बहुत प्यारे नाम है आप लोगों के। क्या करते हो आप दोनों? हाउसवाइफ। आप मैरिड हैं? यस। मैं कब से समझ रही हूँ एक कोई चाइल्ड है, ओह माय गॉड सच में। और आप क्या करते हो? आप भी मैरिड हो? क्या है? चल मैं बाद में पूछूंगी कि आप लोगों की एज क्या है। आप छोटी लगती हैं या है ही छोटी? 18 साल है। ओके नहीं छोटी हैं, छोटी हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है मतलब? मैं मैट्रिक मेरी 7। ओके गुड, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्री में मिलती है मुफ्त? कौन देगा जवाब? मैं। ओके आप बताएं। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ है जो मुफ्त नहीं मिलती? नहीं, ऐसी क्या चीज़ है जो फ्री में मिलती है? थोड़ा क्लोज माइक। मुफ्त तो फिर नाम ना लेने वाली चीज़ है। नाम ना लेने वाली चीज़ क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है? ओह माय गॉड, आपके माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ आई है जिसका नाम नहीं लेना लेकिन वो फ्री में मिल जाती है? हाँ इतना कह दिया समझ जाएंगे। अच्छा समझेगी हमारी ऑडियंस? हाँ। मैं तो समझी नहीं क्या चीज़ है। आपको भी समझ लग जाएगी जब ऑडियंस को लग जाएगी। चले कोई बात नहीं। ठीक है, आपको शेयर करना चाहेंगी कोई सॉन्ग वगैरह या कुछ? शेर? हाँ शेर सुना दूंगी। शेर सुनाएंगी आप या कोई सॉन्ग वगैरह? नहीं शेर सुना दूंगी। ओके ये माइक आप ले लीजिए। फूल है गुलाब का, गुलाब क्या चीज़ है? फूल है गुलाब का, गुलाब क्या चीज़ है? होंठ तेरे चूम लूं, शराब क्या चीज़ है? वाह भाई वाह, क्या? फूल है गुलाब का, गुलाब क्या चीज़ है? गुलाब क्या चीज़ है? होंठ तेरे चूम लूं, होंठ तेरे चूम लूं, शराब क्या चीज़ है? शराब क्या चीज़ है? वाह बढ़िया शेर था। इसके अलावा भी शायरी करती हैं आप? हाँ पहले करती थी। गुड, करते रहे अच्छी है। जी ओके थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अली। क्या करते हो? स्टडी कर रही हूं 10th क्लास। जी ठीक है। साइंस है कि आर्ट्स है? आर्ट्स है। ठीक है, गुड हो गया। यहाँ पे क्या घूमने आए? यहाँ पे वैसे घूमने आए दोस्त के साथ। दोस्त के साथ घूमने आए? हाँ, वीडियो बना रहे थे टिकटॉक। टिकटॉक बना रहे थे? जी। कौन है फेवरेट टिकटॉक आपका टिकटॉकर? मेरा मिस्टर फैजू है। फैजू। गुड, और लड़कियों में? लड़कियों में जन्नत जुबैर, जन्नत मिर्जा। ओके अच्छा चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे उसका जवाब दें कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुफ्त मिलती है फ्री में? मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बेईमान हुक्मरान मिल रहे हैं आजकल हमको, ये टिकटॉक पे फ्री फेम मिल रहा है लोगों को, बेईमान लोग तो
ये चीज़ है हमारे हुक्मरान जो करते हैं कहते तो हैं बहुत बहुत हमें वादे करते हैं हम ये कर देंगे हमें आपको वोट दो, तो जब वो आते हैं तो बस वो फिर वादों पे मुकर जाते हैं, फिर दुख भी होता है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा इन लोगों की वजह से। आप तो दुखी हो गए? दुखी होना है, आपकी आईज में भी आंसू आ रहा है हल्का हल्का, आई कैन सी दैट। हाँ वो होता ही है कि हम जब दूसरे ममालिक को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो फिर वो थोड़ा सा दुख होता है। यानी कि पाकिस्तान में बस ये चीज़ है आपके हिसाब से फ्री मिलती है, इसके अलावा टिकटॉक पे आपने कहा फेम है वो फ्री में मिल जाएगी, ये कह रहे हैं? हाँ कोई भी मुंह उठा के अल्लाह मर्जी दे कटिया सा कॉन्टैक्ट बना देता है तो उसको आवाम महीने में ऐसे चला देती है जैसे वो बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, इसलिए वो दुख होता है कि ऐसे यानी कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि जिनमें टैलेंट नहीं है, बस बाबा जी कह दिया कुछ और कह दिया, तो फिर वो दुख होता है। सही बात है, चलें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? टोमी फजान। आप शहर पर टोमी लिखा है? नहीं फजान नाम है। फजान नाम है आपका, चलें ठीक है। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट। इतने लंबे क्यों हो? मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है। फैमिली है, सारी, सारी है ऐसी। किस पे गए हो आप? अबू भी इतने लंबे? चलें ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछने लगी मुझे उसको जवाब दो, ठीक है? आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्री में मिलती है? पाकिस्तान में ऐसी किस तरह का पूछ लिया? पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फ्री, लेकिन हाँ एक चीज़ है। क्या? वो मशवरा है, जैसे जाते कोई भी किसी को दे देता है जी मशवरा, ये चीज़ कर लें आप, ये करना कुछ भी नहीं होता है, बस मशवरा दे देते हैं जी आप ये कर लें, पहले ऐसा ये मशवरा दे दें। अच्छा अभी आखिरी लास्ट मशवरा क्या मिला आपको, कुछ याद है? अक्सर मिलते हैं जो भी यानी स्टडी में मैंने रखना आगे मैं कोर्स कर रहा था तो मुझे घर वाले कुछ और मशवरा दे रहे हैं, बाहर दोस्त और कह रहे हैं यार आप ये कर लो वो कर लो, इनके काफ़ी मशवरे देते हैं, तमाम देती है मशवरे ही बस। ओके, तो यानी कि मशवरा है जो पाकिस्तान में फ्री में मिलता है? जी हाँ बिल्कुल यही है, फ्री में और कोई चीज़ नहीं। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, कोई मजाक जो आपकी ज़िंदगी के साथ हुआ? नहीं कोई, कुछ भी नहीं, कोई सॉन्ग? ओके थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? आकिब जुवेद। ओके आकिब, क्या करते हो आप? सेलमैन हो। सेलमैन हो, ठीक है, क्या करते हो सेल वगैरह, किस चीज़ का काम है? ब्रेड का काम है। नहीं करता। ओके ठीक है, तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछने लगी हूँ, मुझे उसका जवाब दें, ठीक है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्री में मिलती है, मुफ्त में? फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी फ्री में तो पानी भी नहीं मिलता इधर लाहौर शहर में, गांव में फिर भी कुछ ना कुछ फ्री में मिल जाता है। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी कुछ तो चीज़ होगी ना जो पाकिस्तान में फ्री में मिल जाती है? मेरे ख्याल से माँ बाप बहन भाइयों का प्यार मिलता है फ्री में, इसके अलावा अगर कुछ फ्री में मिलता है ना उसकी भी कीमत देनी पड़ती है बाद में। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की है, वो कह रहे हैं कि माँ बाप का प्यार जो बहन भाई का प्यार है वो फ्री में मिलता है, तो बहुत अच्छी बात कही आपने जी। अरे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल MF एंटरटेनमेंट। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए अपनी होस्ट माहे अरूज को, अल्लाह हाफिज़।